वेलकम बैक टू माय चैनल रोमिल ट्रैवल्स। मेरा नाम रोमिल उपाध्याय। सो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं मदुरई के लिए। यहाँ से मदुरई की जो दूरी है करीबन 175 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग रामेश्वरम से निकल रहे हैं। सो रास्ते में बात बताओ क्योंकि भैया को लेट हो रहा है, एक्चुअली इनकी बस है। तो रास्ते में आपको मैं बात करता हूँ। वन मिनट हाय करता है क्योंकि भैया को रामनाथपुरम ऐसा जगह पे पहुंचना है क्योंकि वहां से इनकी बस है। ये बाइक वहां पे इनका दोस्त के घर छोड़ दे। स्ट्रेट कम विलोंदी तीर्थम 4 किलोमीटर और नई इंदिरा गांधी पम्बन ब्रिज 9 किलोमीटर। तो ये NH-87 चल रहा है अभी। What is the name of this place? Tanglachi Madam. Yeah. Okay. तो इस जगह का नाम है पम्बन। मदुरई 160 किलोमीटर पम्बन रेलवे स्टेशन लेफ्ट है। रामनाथपुरम 45 किलोमीटर सीधा है। त्रिची 220 किलोमीटर सीधा है। ओ भाई भाई रुक, डोंट ओवरटेक ऑन ब्रिज, गो स्लो। ओके बाय बाय रामेश्वरम, सी यू सून। अरे मैं चालू करना ही भूल गया। चलो रिकॉर्डिंग चालू है। खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। सो खूबसूरत सा वहां पे सनसेट हो रहा है। और आप मैंने नीचे जो समुद्र देख रहे हो इसका नाम बंगाल की खाड़ी है। तो अभी मैं जो ब्रिज पर खड़ा हूँ उसका नाम है अन्य इंदिरा गांधी रोड ब्रिज। तो आपने जो सामने देख रहे हो वो समुद्र पर बना भारत का पहला रेलवे पुल है और इसका नाम पम्बन ब्रिज है। इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है जो अपने चैनल पर जाके भी देख सकते हो। सो यहाँ पे अपना एक्टिव है और ये दरिया और वहाँ पे खूब तो ऐसा सनसेट हो रहा है। तो चलो अभी कोई टेंशन नहीं मुझे, बस अपने ये 360 की टेंशन थी। मैंने बोला कि गिर भी गया तो दिक्कत होगी इसलिए मस्त बैग में रख दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जितना वीडियो लाना था उतना तो ला ही दिया है मैंने। ओ पता नहीं है सनसेट हो गया क्या, मतलब शायद बाबा के पीछे चला गया होगा। अभी खूबसूरत था, अच्छा फोटो खींच लिया पहले। मैं सोचा आगे आगे करके, भैया ने ऐसा ही बोला कि आगे बहुत क्राउड होगा, बहुत क्राउड है।
पर चलो मस्त फोटोग्राफी कल आ गई थी, आज वीडियोग्राफी भी थोड़ी अच्छी, कल ऐसे वीडियोग्राफी आ गई थी, आज थोड़ी और ले ली। और साइड में यहाँ पे जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, मतलब एक और नया ब्रिज बन रहा है। रामनाथपुरम 40 किलोमीटर, मदुरई 156 किलोमीटर, तूतीकोरिन 175 किलोमीटर। या बहुत अच्छा लगा मुझे रामेश्वरम, जिंदगी में मतलब एक्टिवा से या व्हीकल से कोई भी उस वक्त मेरे पास जो व्हीकल होगा उससे मैं जरूर आऊंगा, मैं बहुत मजा आया मुझे। फाइनली रामेश्वरम को हमने टाटा कह दिया, इतना खूबसूरत है, इतना मजा आया ना वहाँ पे, सही बता रहा हूँ। वैसे तो थोड़ा और दिन भी रह सकते थे पर रहने का कोई मतलब बनता नहीं था क्योंकि हमने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर कर ही लिया था, तो हमने सोचा कि आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे एक्चुअली बस की सब चेकिंग होती है। हाँ देखो बस की चेकिंग हो रही है। ओके ट्रेन, अच्छा ट्रेन है, मुझे लगा कि चेकिंग हो रही थी। चलो आगे जाते हैं। चलो ट्रेन चली गई। अरे भाई 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 रुक, तो अभी काफी अंधेरा हो चुका है। तो अभी हमें रामनाथमपुरम में, और रामनाथमपुरम भी काफ़ी बड़ा शहर है, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। बहुत पहले से शुरू हो गया था, मुझे लगा कोई और जगह होगी, तो काफ़ी अच्छी जगह। हाँ ओके स्टॉप, ओके ओके। तो चलो काफ़ी अच्छी जगह है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, पेट्रोल पम्प भी था और ATM भी है, गैरेजेस, आपको अपने जरूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी और रामनाथमपुरम में। ओके ओके हाय हाय, तो आई हैव टू लीव नाउ। चलो चलो, नाइस नोइंग यू, नाइस मीटिंग यू, या व्हेन यू कम टू अहमदाबाद जस्ट कॉल मी। ओके अभी मुझे और 115 किलोमीटर्स ट्रैवल करने हैं, 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे, मतलब करीबन 9-10 बजे के आसपास मैं पहुंचूंगा। तो भैया को, मतलब भैया का ड्रॉप यहाँ पे ही था क्योंकि उनको अपना बाइक, मतलब दोस्त का बाइक उनको देना था, फिर वो यहाँ से बस से मदुरई जाएंगे, फिर मदुरई से उनकी बेंगलोर की आई थिंक जो ट्रेन या बस है। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे अगर खाना खाने के लिए रुक गया तो फिर लेट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखेंगे रास्ते में चाय वाय नाश्ता करेंगे क्योंकि एक टाइम भी ठंडा रखना पड़ेगा ना। पर यहाँ से मतलब जितना जल्दी उतना निकलते हैं ना, फिल कर लेते हैं, फुल कर दो, फुल। हाँ कार्ड अरे बंद किया ना। ओके ओके तो चलो चलो निकलते जल्दी यहाँ से, भूख लगी है, सोच रहा हूँ आगे कहीं पे खा लूँ या मदुरई में खाऊँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे। तो अभी बजे करीबन 8:45 और मेरी कोई ब्रेक लेने की इच्छा थी नहीं, पर अचानक मुझे भूख लगने लगी,
तो अभी करीबन और 33 किलोमीटर की दूरी पर है मदुरई, तो करीबन 50 मिनट मतलब समझ लो करीबन एक घंटा और लगेगा। और मैंने बोला कहाँ है मतलब मदुरई में, फिर होटल तो ढूंढ ही लिए मतलब बुक ही है, तो फिर मैंने बोला कहाँ सामान निकालो, फिर वापस नीचे जाओ, फिर होटल ढूंढो अच्छी वाली, इससे अच्छा ये मिल गया तो यहाँ पर खाना खाते हैं। तो होटल का नेम बड़ा अजीब है, HB लिखा है, बाकी तमिल में लिखा था मैं समझ नहीं पा रहा, पर खाना काफ़ी अच्छा था, मसाला डोसा था। और हाँ करीबन 80 रुपीज़ का डोसा था, मसाला डोसा। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं, तो अभी मैं सीधा आपको मदुरई मिलता हूँ। तो अभी मैं मदुरई पहुँच चुका हूँ। फिफ्टी मीटर के बाद वापस रेड सिग्नल आ गया। अच्छा होटल विजय बोल रही, तो अभी मैं मदुरई में जो होटल बुक की थी मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा सामान मैंने यहाँ पे, ये काइंड ऑफ रूम है, यहाँ पे TV था, यहाँ पे आपका कुछ अपना सामान वामान रखना हो तो, पर मेरा तो सब सामान यहाँ से बाहर ही रहता है। और ये वॉशरूम है और यहाँ पे बालकनी भी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी साउथ राइड के एपिसोड 17 में मैं आपको मदुरई में आया मीनाक्षी मंदिर के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पर 280 से अधिक ट्रैवलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो।